हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग घर पे वाटर कैंडल्स कैसे बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग वाटर कैंडल्स अपने घर पर कैसे इजीली बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सो हेलो, आई एम पर्णिका एंड आई एम फिफ्थ स्टैंडर्ड। एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग घर पर वाटर कैंडल्स कैसे बना सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। एंड चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बोल। यहाँ पे मैंने एक ऐसा कांच का बोल लिया है, आप लोग देख सकते हैं एकदम क्लियर है। आप लोग चाहे तो कोई कुछ भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे क्लियर ग्लास का ये बोल लिया है। एंड अब हम लोगों को इसमें ऐड करना है वाटर। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमें इसमें कितना वाटर ऐड करना है। सो हम लोगों को कुछ इतना वाटर ऐड करना है। सो अभी हमारी ऊपर और जगह है। एंड अब हम लोगों ने अपना इतना वाटर ऐड कर लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड अब फ्रेंड्स, हम लोगों को इसमें ऑयल ऐड करना है। आप लोग कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल। आई डोंट नो कोकोनट ऑयल वर्क करेगा या नहीं, बट मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल वर्क करेगा। एंड सोयाबीन ऑयल भी आप यस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे कोकोनट ऑयल के बारे में नहीं पता है कि वो वर्क करेगा या नहीं। आई थिंक कि वो वर्क करेगा। सो चलिए, मैं अपना इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। सो मैं अपना जो ऑयल ऐड कर रही हूँ वो है मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने किसी कंपनी का मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करा है, मैंने अपना घर का ही मस्टर्ड ऑयल यूज़ करा है। सो यार, लेट मी एड इट। सो यार फ्रेंड्स, चलिए अपना ऐड कर लेते हैं। सो यार, आप लोग देख सकते हैं ऑयल एकदम ऊपर आ चुका है। आपको फ्रेंड्स इसमें डार्क कलर का दिख रहा है, बट रियलिटी में ये लाइट येलो है और अच्छा दिख रहा है। बट आई डोंट नो, कैमरे में नीचे वाटर भी ज़्यादा येलोश आ रहा है, बट इतना येलोश है नहीं जितना कैमरे में आ रहा है। सो या अब हम लोग फ्रेंड्स, हम लोगों को एक ऐसी लिड चाहिए होगी। आप लोग देख सकते हैं, आप कोई भी प्लास्टिक कंटेनर लेते हैं, आप लोग कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि वो क्लियर हो। ये भी क्लियर है बट कैमरे में लाइक तब भी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट यार रियलिटी में ये क्लियर है। एंड अब हम लोगों को चाहिए एक सीज़र। एंड हम लोग इससे एक ऐसा सर्कल कट करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, हमें अच्छे से कट करना है। सो यार, आप लोग देख सकते हैं बीच से ऐसे क्रैक हो चुका है। एंड अब हम लोगों को इसमें से एक सर्कल कट कर लेना है, लाइक दिस। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं छोटा सा ही कट कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। एंड ये देखिए गाइस, हमारा सर्कल कट चुका है। अगर आप लोग बड़ा सर्कल बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। सो मैंने इतना छोटा ही बनाया है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोगों को जो हम लोगों ने पीस कट करा था, हमें उसमें छेद करना होगा बीच में। सो आप लोग छेद करने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्लायर गर्म कर लिया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड हम लोग इसमें छेद करेंगे। मैंने थोड़ी गर्म करी है, ज़्यादा नहीं करी है, जिससे कि इजीली आप लोग देख सकते हैं छेद हो चुका है। एंड मैंने इसे दूसरी बना ली है कॉटन से। एंड अब हम लोग इसे फिर से इंसर्ट करेंगे, इस साइड से कर लेते हैं। एंड अब हम लोग इसे यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। एंड फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि आप जो कॉटन से ये बनाएं, ये थोड़ी पतली हो, अगर ज़्यादा मोटी होगी तो भी ठीक नहीं रहेगा। एंड अब मैंने अपना फिर से ट्वीज़र ले लिया है। एंड अब हम लोग रख के देखेंगे, होपफुली वर्क करे। ये फिर से डूब रहा था। यस गाइस, आप लोग देख सकते हैं अब ये हो चुका है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल आ गया है। बट अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी, वो भी ध्यान रखना होगा बहुत कि ये अंदर ना जाए। एंड अब मैं इसमें डेकोरेट करने के लिए ग्लिटर ऐड करूंगी अपना। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ग्रीन ग्लिटर ऐड करूँगा, आप अपना कोई सा भी ग्लिटर ऐड कर सकते हैं। इसमें हल्के हल्के ऐड करूँगी, गिर देना जैसे कि ये। एंड आप लोग देख सकते हैं कि ये अंदर जा रहा है, नीचे आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अपनी जो कॉटन है उसको जला लेते हैं, अपनी वाटर कैंडल को।
आप लोग देख सकते हैं क्योंकि इसमें अभी वाटर सॉरी ऑयल अब्जॉर्ब नहीं हुआ है, इस वजह से ये नहीं जली। लेट मी वेट अ मिनट कि ये कॉटन ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले। सो फ्रेंड्स चलिए अब ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। एंड या गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। सो फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आपका ऑयल होगा उतनी देर चलेगा, जैसे कि आप लोगों को पता है लाइक आप सिंपली दिया में ऑयल डाल के जलाते हैं दिया, सो वैसे इसमें ऑयल होता है बट नीचे वाटर होता है एंड इसे इसलिए इसे वाटर कैंडल्स कहते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। सो फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को इससे मैंने इसे पूरा जो इसका नीचे का है मैंने इसे पूरा वॉश कर लिया था एंड आप लोगों को एक ही बार में ऐसे ऐसे रखना है कि ये बिल्कुल भी इसके ऊपर ऑयल ना आए। आप लोगों को एकदम ध्यान से रखना है वरना आप बार बार कोशिश करेंगे एंड ये बार बार गिरेगा एंड आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, इसलिए ये है वरना ये भी नीचे चला जाता। एंड आप लोग इसे ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हैं अगर आपके अगर कोई भी फेस्टिवल है लाइक कोई भी दिवाली या फिर कोई भी फेस्टिवल है ऐसे ही अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं या फिर आप लोगों का बर्थडे है लाइक किसी भी ओकेजन पे आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को एक लाइक करें शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। एंड या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।